हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ते गोभी की सब्जी, जिसके लिए मैंने पत्ता गोभी लिया है। ये पत्ता गोभी आधी थी, बहुत काफ़ी बड़ी थी ना, इसलिए मैंने आधी पत्ती गोभी का यूज किया है। इसे मैंने बॉईल कर लिया है, साथ में आलू को भी बॉईल कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी बॉईल हैं। आज हम बॉईल से एकदम रेस्टोरेंट जैसी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें और क्या चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है मिर्ची पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने जीरा फ्राई करने के लिए सब्जी को। यहाँ पे धनिया पाउडर, ये सब्जी मसाला हरी सन्स का, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 पिंच हींग, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे 2 साबुत मिर्ची ले रखी है मैंने, लाल मिर्च, और ये 3 लौंग, 2 इलायची। इससे हमारी सब्जी बहुत ही क्यूट बनकर तैयार होगी। तो मैं आपको और दिखा देती हूँ क्या चाहिए। ये देखिए मैंने क्या लिया है, 1 कटोरी फुल मैंने मटर ले रखी है, और यहाँ पे मैंने 2 मिर्ची लेकर इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने लहसुन अदरक का दरदरा पेस्ट, ये लिया है मैंने 1 प्याज का दरदरा पेस्ट और धनिया। तो अब हम सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा देती हूँ हम और क्या डालेंगे सब्जी में। ये देखिए मैंने 2 गाजर लेकर कट कर लिया है इस तरह पीसेस में, देखिए गोले गोले पीसेस में मैंने गाजर को कट किया है। रिफाइंड ऑयल तलने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल से भी सब्जी बना सकते हैं, उससे भी आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए हम सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है हमने, देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल फ्राई करने के लिए। इतना हम रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं कढ़ाई में, इसे हम गर्म होने देते हैं। जब तक रिफाइंड ऑयल हमारा कढ़ाई में गर्म हो रहा है, तब तक हम ये बॉईल आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। देखिए आलू को मैंने कट कर लिया है और रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें डाल देते हैं ये साबुत, देखिए लौंग 3, 2 इलायची और 2 लाल मिर्च। इनको हम थोड़ा सा तेल में गर्म कर लेते हैं, पका देते हैं तेल में इनको। अब हम डालेंगे इसमें ये हींग, हींग को हम डाल देते हैं तेल में। हर सब्जी में हींग को आप यूज करें। अब हम डालेंगे ये जीरा, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर पका लेते हैं। अब हम डालेंगे ये मिर्ची और साथ में ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये प्याज, इन सारी चीज़ों को हम डाल के पका लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। लहसुन प्याज और मिर्ची सारी चीज़ें पक चुकी हैं। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, देखिए मैंने सारा मसाला जो लिया है उसमें नमक लिया है, नमक को हम नहीं डालेंगे और सारे मसालों को हम सब्ज़ी में मिला देते हैं। ये मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला के हम थोड़ी देर पका लेते हैं इनको तेल में। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, सिर्फ इतना ही पानी हम डालेंगे और मसाले को हम पका लेते हैं। मसाले अच्छी तरीके से पक चुके हैं, साइड से तेल छोड़ने लगा है। अब हम डाल देते हैं ये हरी मटर जिसे मैंने धुल के रखा था, और इन्हें भी हम थोड़ी देर भून लेते हैं। मटर को मैंने मसाले के साथ भून लिया है। अब हम डाल देते हैं नमक, नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन्हें भी हम मिला देते हैं और साथ में हम डाल देते हैं ये गाजर कटी हुई, इसे भी मैंने धुल के काटा था। सारी गाजर को हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं मटर के साथ और मसाले के साथ। ऐसी सब्जी बहुत ही क्यूट आती है खाने में, बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आप आलू को और बंद गोभी को बॉईल करके थोड़ा सा पका के अगर बनाते हैं सब्जी, तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये बॉईल कटे हुए आलू और इनको भी हम मिला लेते हैं सब्जी के साथ। ये मिक्स वेज सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। 1 मिनट हम सब्जी को ढक देते हैं और 1 मिनट तक हम सब्जी को पकने देते हैं। 1 मिनट हमारा हो चुका है और मैंने सब्जी के ऊपर से प्लेट को हटा दिया है। अब हम डालेंगे ये बॉईल की हुई बंद गोभी। अब हम बंद गोभी को सारे मसाले के साथ और आलू के साथ मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला देते हैं इनको पकने के लिए। सब्जी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, आलू बंद गोभी और सारी चीज़ों को। अब हम प्लेट से इसे कवर कर देते हैं, सारी सब्जी को ढक देते हैं और पकने तक हम वेट करते हैं। इन्हें हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, हम इन्हें 5 से 6 मिनट ढका रहने देते हैं। हमने इसमें डाला है गाजर और मटर, उनको हम पकने देते हैं
और हमने तो पहले से ही बॉईल करके डाला हुआ था आलू और बंद गोभी को। तो गाजर और मटर को हम पकने देते हैं, तब तक हम धनिया को कट कर लेते हैं धुल के बारीक बारीक। 2 से 3 मिनट हमारा हो चुका है, अब हम ढक्कन को हटा देते हैं प्लेट को और देख लेते हैं सब्जी को। देखिए सब्जी कितनी अच्छे से हमारी पक रही है, हमें इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं ऐड करना है, हम बिना पानी के सब्जी को पकाएंगे। अच्छे से सब्जी हमारी पक रही है, हम फिर से ढक्कन से कवर कर देते हैं सब्जी को, फिर हम 2-3 मिनट बाद चेक करेंगे सब्जी को, जब तक गाजर और टमाटर पक नहीं जाते। सब्जी को हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, सब्जी को ऐसे हम चला के देख लेते हैं, सब्जी हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम सब्जी में डाल देते हैं ये हरी धनिया इस तरीके से। हरी धनिया को डालने के बाद हम थोड़ा सा सब्जी को चला देते हैं और फ्लेम को हम अब ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं अब, और कढ़ाई को नीचे उतार के रख लेते हैं। सब्जी को मैंने गैस से नीचे उतार कर रख लिया है, देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार है। तो इसमें मैंने टमाटो और शिमला मिर्च का यूज नहीं किया है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, जितनी देखने में ये अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा खाने में क्यूट लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनकर तैयार होती है। अगर आप शिमला मिर्च आलू को बॉईल करके बनाएंगे और बंद गोभी को, तो आपकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो मेरी, तो मेरे वीडियो को फटाफट लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। तो अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ, धन्यवाद।